मध्य प्रदेश में खाद और बीज की उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पर्याप्त मात्रा में खाद है या कांग्रेस जो कह रही है उसमें सच्चाई है कुछ? कांग्रेस कह रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं। कोई भी चीज आने में एक आध दो दिन कहीं लेट हो जाते हैं या कमी आ जाती है तो उसे ये नहीं कहते कि खाद नहीं है, बीज नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, बीज है और गुणवत्ता पूर्व बीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरोप उन्होंने जो लगाए हैं वो निराधार है। सर, जो अभी कमी है, कई जगहों से जो शिकायतें सामने आई, आपके भी संज्ञान में मामले आए होंगे, वहां पे विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? आई होगी, एक आदर कोई कमी रही होगी, अब कोई कमी नहीं। सर, दो सीटों पर मध्यप्रदेश में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, बुधनी में और विजयपुर में, काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बीजेपी की कैसी तैयारी है? हमेशा तैयारी रहती है बीजेपी की, दोनों सीट हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तैयारी की क्या है, हमारी कांग्रेस थोड़ी है, बीजेपी है, इनकी तो चुनाव होता है जब से, और 5 साल तक बराबर तैयारी रहती है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एनल सिंह कंसान हमारे साथ है। कांग्रेस ने कल जिस तरह से खाद की कमी को लेकर आरोप लगाया, उन पर पलटवार किया। एनल सिंह कंसाना का कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां से छुटपुट शिकायतें आई थी उनको दूर किया जाएगा और उपचुनावों में बीजेपी को ही जीत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।